ओए होए भाई, व्हाइट सॉस पास्ता बनाए एकदम मार्केट स्टाइल घर के अंदर। पूरी वीडियो एंड तक देखिए, शुरुआत से लेकर एंड तक बताया कैसे बनेगा। तो जी आज बनने वाला है व्हाइट सॉस पास्ता। तो यहाँ पे है बारीक कटी हुई गाजर और थोड़ा मोटा कटा हुआ प्याज, और ये है कैप्सिकम, और साथ ही में है यहाँ पे गार्लिक, मैदा, और ये है चिली फ्लेक्स, और ऑफ कोर्स पास्ता एरा। इसके लिए चाहिए होगा आपको साथ में ब्लैक पेपर, और ये है जी अमूल चीज। तो जी यहाँ पे ले लिया हमने पानी एक पैन के अंदर, और इसको हल्का सा बॉईल होने देंगे, और बॉईल होने के बाद ये है पास्ता। ये इजीली अवेलेबल होता है आपके नियरेस्ट मार्केट में, कहीं से भी आप ले सकते हैं। ये थोड़ा लंबे वाला है, आप इससे लंबे वाला भी मार्केट में मिल जाता है तो आप वो भी ले सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं पानी उबलने लगा है, तो आप इसमें हम डाल देंगे अपना पास्ता। ये देखिए, इसको बॉईल होने देंगे कम से कम 3-4 मिनट तक, और ध्यान रखिए जैसे ही उबलने लगे ना तो इसमें नमक डालना है, ताकि जो पास्ता होगा वो नमक का फ्लेवर ले ले। और साथ ही में हमारे पास है यहाँ पे कोकोनट ऑयल, तो आपके घर में कोई सा भी ऑयल हो आप वो यूज कर सकते हैं। तो हल्का सा ऑयल डालना जरूरी है ताकि ये ना चिपके ना। तो ये देखिए, पानी भी ज्यादा ना डालें, पानी भी उतना ही डालें जितने में ये डूब जाए। तो इसको थोड़ा बॉईल होने देते हैं, और बॉईल होने के बाद आपसे मिलते हैं। आपको इसको 70% यहाँ पे पकाना है, और 30% जब आप पैन में ग्रेवी बनाएंगे वहां पे पकेगा। और आपको यहाँ पे एक चेक करते रहना है, एक पास्ता निकाल के उसकी आप कटिंग करेंगे कि इजिली अगर कट रहा है इट मीन्स परफेक्ट बॉयल हो चुका है जितना हमें चाहिए। तो अब इसको हम यहाँ पे बंद कर देंगे और इसको छानेंगे। तो अब इसको हम छान लेंगे, ये देखिए, एंड इसको फ्रेश वाटर से हम धोएंगे ताकि ये ठंडा हो जाए। ये देखिए, फ्रेश वाटर से धोएंगे इसको, और उसके बाद इसको थोड़ा थोड़ा अलग कर लेंगे ताकि ये चुपके ना। इस पे आप ऑयल लगा के भी दे सकते हैं, कि अगर आपको बाद में यूज करना है तो हल्का सा ऑयल लगाएं और आप इसको रख सकते हैं। फिर हमें अभी पकाना है तो हम इसमें ऑयल नहीं डालेंगे, ऐसे ही रखेंगे। और आप देख सकते हैं एक एक पास्ता आपको यहाँ पे अलग मिलेगा। तो यहाँ पे हमने पैन रख लिया है, और अपने पास्ता को थोड़ी देर हम साइड रख देंगे ठंडा होने के लिए। हम यहाँ पे कोकोनट ऑयल यूज कर रहे हैं, आप बटर भी डाल सकते हैं या ऑलिव ऑयल भी यूज कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा जो भी आप इसको पकाएंगे आपको मीडियम फ्लेम पे बनाना है। तो आप देख सकते हैं जो ये हमारा ऑयल है ये थोड़ा पक चुका है। तो सबसे पहले हमें जो इसमें डालने हैं वो है बारीक कटा हुआ गार्लिक। गार्लिक मस्त है, क्योंकि गार्लिक का फ्लेवर बढ़िया आएगा। और ये देखिए हल्का से ये ब्राउन हो रहा है, तो हमें डाल देना है प्याज, मोटा कटा हुआ प्याज, बढ़िया तरीके से फ्राइड हो चुके हैं और सॉफ्ट भी हो चुके हैं। तो अब इसके बाद डालेंगे हम गाजर, और इसको भी पकाएंगे। गाजर के बाद डालेगा शिमला मिर्च। अब इसको पकाना है थोड़ी देर तक, कम से कम मान लीजिए 3-4 मिनट, और ये डालेगा कॉर्न। ओए होए भाई, मेरे को तो अभी से क्रेविंग हो गई है। तो यहां पे मैंने जो कॉर्न डाले हैं, कैप्सिकम डाला है, गाजर डाला है, अनियन डाला है, तो अगर आपको इनमें से कोई भी चीज पसंद ना हो तो आप नहीं डालें, वो आपकी चॉइस है आपको कौन सी वेजिटेबल डालनी है। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप इसमें चिकन भी डाल सकते हैं। ये देखिए, और कम से कम इसे अब हमें 3-4 मिनट पकाएंगे। और एक बार आप आवाज चेक करें भाई साहब, कई लोग तो इस आवाज के दीवाने हैं। जब आप सब्जी पका रहे हो तो ध्यान रखिएगा, हल्का सा डालना है हमें ब्लैक पेपर पाउडर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी वेजिटेबल कुक हो चुकी है, तो अब हम इसको निकाल लेंगे यहाँ पे।
तो अब आगे बढ़ते हैं हम अपनी व्हाइट ग्रेवी की तरफ। सबसे पहले चाहिए हमें यहाँ पे हमारा खजाना यानी अमूल बटर। तो निकाल दे अपना खजाना, ये देखिए जी निकाल लिया हमने यहाँ पे अमूल बटर। तो अब डालेंगे हम इसमें अमूल बटर, ये देखिए जी इस पे हम डाल रहे हैं आधा अमूल बटर। और एक थिंग आपको बिल्कुल याद रखनी है, जितना आप बटर डालेंगे उतना ही आपको इसमें मैदा डालना है। यानी मान लीजिए आपने यहाँ पे आपका पास्ता की क्वांटिटी ज्यादा है तो आप 4 टेबलस्पून बटर डालिए, 4 टेबलस्पून ये मैदा डालिए। और अब डाल देंगे इसमें हम मैदा और कीप टॉसिंग इट। फिर टॉस करते रहना है आपको, तो आपको मीडियम फ्लेम पे ही पकाना है, ज्यादा पे पकाएंगे तो ये जल जाएगा। और बहुत ही बढ़िया मीठी मीठी सी खुशबू आना स्टार्ट हो गई है। तो ये हल्का हल्का ब्राउन होना स्टार्ट हो गया है, इट मींस इसमें हम डालेंगे मिल्क और इसको जल्दी जल्दी हिलाते जाना है आपको, ताकि जो इसमें ना गाठे ना बने, गाठे बन गई तो दिक्कत हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं ग्रेवी रेडी है। अब हल्का सा डालेंगे इसमें हम नमक, तो हम डाल देंगे 1/2 टेबल स्पून इसमें नमक और इसको टॉस करते रहेंगे। और आपको अगर थिकनेस चेक करनी है अपनी तो इसको हल्का से ऐसे करिए, और ये देखिए ये थोड़ी चुपक रही है इस पे, इट मींस ये बढ़िया एकदम थिक ग्रेवी बन चुकी है। अब इसमें जाएंगे हमारी जो हमारी फ्राइड वेजिटेबल्स थी वो सारी जाएंगी अब हमारी ग्रेवी के अंदर, ये देखिए। और इसको भी हम बढ़िया तरीके से मिक्स कर देंगे, ये देखिए आ रही है ना एकदम बाजार वाली फील, एकदम बिल्कुल बाजार जैसा होता है ना मार्केट स्टाइल, एकदम बिल्कुल वैसा लग रहा है। तो अब हमारी जो बिना देरी करे हम इसमें डाल देंगे अपना पास्ता जो हमने बॉईल कर लिया था, और इसको भी टॉस करते रहेंगे। कम से कम हमें 3-4 मिनट तक इसको टॉस करते रहना है, ताकि जो हमारी ग्रेवी है ना वो अंदर तक, पास्ता के अंदर तक जाए, जबी तो भाई साहब फ्लेवर आएगा। हल्का सा ब्लैक पेपर पाउडर, ये देख सकते हैं आप एकदम बढ़िया तरीके से व्हाइट सॉस बना है। ओए होए, अब हल्का सा ना चिली फ्लेक्स। तो ये हमने इसको मिर्ची कूट के बनाया है, आप मार्केट से भी बाय कर सकते हैं। तो देखिए 3-4 मिनट हो चुके हैं और बढ़िया तरीके से देखिए रेडी हो चुका है। हमने इसकी ग्रेवी थोड़ी कम रखी है क्योंकि हमें थोड़ा सूखा सूखा खाने में पसंद है। अगर आपको इसकी ग्रेवी बनानी है तो आपको हल्का सा इसमें मिल्क ऐड कर सकते हैं। वाह यार बहुत ही बढ़िया लग रहा है। तो अब इसमें एक ही चीज की कमी है, वो है जी अमूल चीज। तो इसमें डाल लेते हैं यहाँ पे ग्राइंड करके अमूल चीज। अब इसमें डाल देंगे हम यहाँ पे अमूल चीज, डाल दिया यहाँ पे चीज, और अब इसको चीज को भी मिक्स कर देंगे ताकि चीज जो है ना हमारा मेल्ट हो जाए और एकदम ना चीजी चीजी बन जाए। तो हमने यहाँ पे 1 क्यूब डाला है, आप चाहे तो 2 क्यूब अपनी मर्जी से डाल सकते हैं, जितना आपको चीजी बनाना है। तो देख सकते हैं अब ये हो चुके हैं एकदम रेडी टू सर्व, बहुत ही बढ़िया बने, इजी रेसिपी अपने घर में बना सकते हैं आप। और इसी के साथ ये वाली वीडियो को शेयर जरूर करना अगर आपको ये वाली रेसिपी पसंद आई हो। फिर से मिलेंगे अपनी नई रेसिपी के साथ, शुक्रिया।